Miscreants damages vehicles of Congress supporters. Number of vehicles were damaged by unknown miscreants when the Congress supporters were on the way to Dingring village and the Dihangi police station on the night of Thursday. It is learned that a group of people on Thursday night attacked several vehicles carrying Congress supporters and damaged, but no one was injured. All the vehicles were kept at Dihangi police station, but no one was arrested so far. Meanwhile, President Dimahasao Youth Congress lodged an FIR demanding immediate arrest of the culprit who were involved in the attack at Dihangi police station on Friday. आज हम लोग दिहांगी पुलिस स्टेशन के बाहर में हैं। कल रात को दिहांगी में एक गांव में जब कांग्रेस का वर्कर और सपोर्टर लोग गांव बूढ़ा का घर में मीटिंग कर रहा था, तब उस टाइम में कुछ गुंडा लोग आया गाड़ी में और आके गांव बूढ़ा का सामने में हम लोग का कांग्रेस वर्कर और सपोर्टर लोग को धमकी दिया कि क्यों तुम लोग दिहांगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके तुम लोग क्यों एमएलए इलेक्शन का कैंपेन करते हैं बोल के। और उसके बाद वो लोग को मार की वो लोग मारने का साजिश किया और हम लोग का लड़का लोग वहाँ से भागना पड़ा अपना जान बचाने के लिए। और उसके बाद में जितना गाड़ी था सब गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिया, पूरा तोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग दिहांगी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने लगा, एसपी डिमहासाव को फ़ोन करने लगा और बाद में पुलिस लोग आके हम लोग का जो लड़का लोग था कांग्रेस का वो लोग को आके रेस्क्यू करने लगा। उसके बाद अभी जितना गाड़ी तोड़ फोड़ किया है वो पुलिस स्टेशन दिहांगी पुलिस स्टेशन में है और आज हम लोग आया है यहाँ में FIR दर्ज करने के लिए। तो हम लोग साथ में है कांग्रेस का यूथ प्रेसिडेंट सोजेस थाउसेन जो उस टाइम में मौजूद भी था और आज उसने FIR भी दिया है। हाँ, कल जब वहाँ पे घटना हुआ था उसी मीटिंग के में भी था प्रोग्राम पे, जब वो गौरा का पास में जब अच्छा खासा बातचीत हुआ था, वो एक मीटिंग बोल के भी नहीं एक विजिट था, बातचीत हुआ सारा तो तमी होने वाला था, तो कहाँ से आके वो इतना स्लोगन लेके हम लोग चला जाओ कांग्रेस यहाँ पे नहीं एक बोल रहा था। तो हम लोग प्रोटेक्ट में यहाँ का जो लोकल्स है कांग्रेस का वर्कर लेकिन जब हमको डिफेंड किया तो उसका साथ हाथ हफाई भी हुआ और उसके बाद ठीक है तो इतना सारा ही हुआ उनसे। तो इवन वो वहाँ का गौरा का लड़का को भी शायद मारने वाला देखा था, तो उसके बाद चलो कोई बात नहीं हम लोग साइलेंटली यहाँ से मूव हो जाएगा सबके बोल के चला गया था। तो अभी इतना सारा जो कहाँ से ऐसे आके वो सारा गाड़ी भी ठुटा दिया, तो हम उनको हिल भी नहीं पाया इसलिए हम वहाँ से साइड करके बैठ गया। तो ऐसा है तो ऐसा था चलते रहने से तो समाज में तो खराब दिशा पे ही जा रहा है वही है। और इसलिए आज हम लोगों ने FIR दिया है उन लोगों का अगेंस्ट में और हम पुलिस से भी एक विश्वास है पुलिस लोगों के पास में कि उसमें जो हम FIR दिया उन लोगों उसको जल्दी से जल्दी लोगों एक्शन लेगा बोल के। और यहाँ पे यह कल का बात नहीं है, उसके आगे में भी ये बहुत सारा यहाँ पे ऐसे हो रहा है लेकिन इस बार तो हम भी बर्दाश्त उनका भी एक सीमा होता है हम उनका बर्दाश्त से बाहर हो गया इसलिए आज के दिन में हम लोग FIR फाइल किया है यहाँ पे। सो पुलिस से हम उम्मीद है कि ये केस तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा बोल के और आगे से आगे का जो केस जो जितना था केस किया था वो पेंडिंग पड़ा है उसे सारा तो ये नहीं रखेगा बोल के ये देंगे पुलिस को हम भरोसा है मेरा तरफ से। और हम लोग अपील करता है डिमांसा को पब्लिक को भी और पॉलिटिकल जो वर्कर जो लोग भी है वो लोग को भी शांति बरकरार रखने के लिए। हम लोग गुंडा नहीं है, गुंडागर्दी तो डिमहासाओ में अभी चल रहा है सबको मालूम है, ये आज का बात नहीं है। लास्ट ये सरकार का अंदर में गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है सब जगह में गुंडागर्दी है, बिजनेस बोलो सब जगह में बोलो गुंडा राज चल रहा है लेकिन ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और हम लोग डिमहासाओ का पब्लिक अभी जाग गया है इसलिए आज हम लोग आया है। हम लोग दिहांगी का आदमी लोग को भी हम लोग आश्वासन देता है कि दिहांगी का आदमी लोग बहुत अच्छा आदमी है और वो लोग को भी कितना अंदर में गुंडा राज का अंदर में वो लोग भी कितना और जिएगा, इसलिए हम लोग बोलना चाहता है कि आप लोग मत डरो, पब्लिक सबका साथ है और जो अच्छा रास्ता में चलता है वो उसका हमेशा जीत होता है। और इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि आने वाला इलेक्शन का आगे में ऐसा वाला और इंसिडेंट नहीं होने के लिए, लेकिन नहीं होने के लिए हम रिक्वेस्ट करता है कि डिमहासाओ पुलिस और इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इसको
जो कल्प्रिट से वो लोग को पकड़ने के लिए कल्प्रिट लोग को आइडेंटिफाई भी कर दिया है, नाम से हम लोग पहचान लिया है क्योंकि वहाँ में गांव बूढ़ा प्रेजेंट था, गांव का आदमी लोग भी प्रेजेंट था बोल के। इसलिए हम उम्मीद करता है कि पुलिस जल्द से जल्द आज रात का अंदर में आइडेंटिफाई करके वो लोग को अरेस्ट कर लेगा, ये हम लोग उम्मीद करता है। और डिमा हसाव को आदमी को अपील करता है कि पीस मेंटेन करो और गुंडा राज का अगेंस्ट में बात करो, स्पीक अप अगेंस्ट गुंडा राज, नो मोर गुंडा राज इन डिमा हसाव। थैंक यू, जुठाई। Meanwhile, CEM NCHSC Sri Debolal Gorlosa strongly condemned the incident and requested the authority concerned to take appropriate step to nab the culprit so that none can dare to re-establish the peaceful atmosphere of the district. He appealed to the people of Dima Hasaw not to get involved in any violence. At least peaceful atmosphere could be maintained during the election. Suspecting opposition's hand in the yesterday's incident attack on vehicles, he said it could be a malicious attempt to malign my image in my own constituency, which is next to impossible since people love me, and to win the people's heart they should have many things at first. Mera reaction hum ek din do din pehle sabhi Dima Hasaw ko appeal kiya tha, koi election mein koi jhagda gura nahi karna hai, shanti appeal karna hai बोला है। लेकिन जो कल रात में घटना हुआ उनको हम कंडेम करता है, जो भी हो हमारा दिहांगी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जो घटना हुआ वो उसको अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करना है। एसपी साहब से भी बात करा और ये सब घटना मेरा हिसाब में आगे आगे भी होके आया, मेरा ऊपर में भी हुआ क्योंकि इलेक्शन हम शांति से करता है और शांति से करके जीत के भी आया। क्योंकि देखिए 2019 में जो एमएससी इलेक्शन हुआ, हाँ हम दिहांगी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार भी नहीं आया, तभी हम हजरत शाह कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोजेक्ट हो जाए के लिए कैंपिंग करने के लिए गया। उस टाइम भी पुलिस आर्मी साथ में था बोल के हम बासा सैंडल उंडल माला लेके पूरा वो लोग हमको लगाने के लिए खड़ा, लेकिन उस टाइम में खड़ नहीं था, पुलिस आर्मी था बोल के और पब्लिक बाद में जवाब दिया। ये जो घटना भी उल्लू का कांग्रेस का कोई जगह में कोई एरिया में आदमी गैदरिंग कर नहीं सकता, इसीलिए देवलाल गोरलोसा को कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ गुंडगुल होने से पब्लिक नाराज होने के लिए उल्लू किया मेरा ओपोजिशन लोग, और जो वहाँ पे गाड़ी ठुका तो वो गाड़ी हफलोंग से आया बापू जी लंकासा ना कुछ ऐसा है, हम लोग इन्विशन करने के लिए बोला है और वहाँ पे हम गांवबुरा से भी बात किया क्या हुआ नहीं हुआ, तो गांवबुरा से बोला कांग्रेस बोल के भी नहीं है, एक दो चार आदमी बैठा, बैठने का बाद में वहाँ पे वो लोग कोई पार्टी 10-15 आदमी आया, उसके बाद में 10-15 आदमी भी वापस चला गया, उसको बाद में वो लोग आने वाले गाड़ी फिर थोड़ा बहुत, तो इसलिए मेरा हिसाब में मेरा सोच विचार में उसको पुलिस अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और अपोजिशन लोग हमको पब्लिक इमेज खराब करने के लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में हफलोंग से गाड़ी ला के वहाँ पे थोड़ा, और इलेक्शन का परमिशन भी नहीं था वहाँ पे कैंपिंग के लिए, क्योंकि आज में हम लोग डिमरा में कैंपिंग करता है तो हम लोग परमिशन से करता है, तो ऐसा माफी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स अपना विचार अपना डेवलपमेंट फ्यूचर में क्या काम करेगा वो बता के इलेक्शन जीतना चाहिए, क्योंकि आदत है वहाँ पे जो अपोजिशन लोग पूरा एक साथ हो गया हाँ हमको इलेक्शन हराने के लिए। अभी एमएलए इलेक्शन ना सीएम इलेक्शन कुछ मालूम नहीं होता है कैंपिंग का हिसाब में, लेकिन हम पहले भी बोलता अभी भी बोलता है देवलाल गोरलोसा को हटाने के लिए फर्स्ट में दिमा हसाव का दिहांगी कॉन्फ्रेंस का पब्लिक का दिल से हटाओ, अच्छा काम करके समाज का काम करके उसको बाद में दिमा हसाव का जनता का पास से दिल से हटाओ और उसका बाद में एमएससी लोगों का दिल से हटाओ, तब हम हटेगा क्योंकि हम संविधान का नियम से हम बैठ के यहाँ में बैठा है, जबरदस्ती हम सीएम नहीं बना, पब्लिक से हमको सुन के इलेक्शन जीत के हम बैठा और इलेक्शन कमीशन से हमको एक्सेप्ट करके हम सीएम बैठा है, तो इसलिए वो लोग जबरदस्ती करने मांगता, क्योंकि आप लोग मालूम है एसटीसी का मूवमेंट में कांग्रेस का क्या कर रहा था उस टाइम में, हाँ वो सब आदमी सब जमा हो गया उसी ऑपोजिशन में, कोई खोकेश्वर कोई अलग अलग माने वोट हो गया वहाँ पे जमा, माने डेवलप गवर्नमेंट कैसे करना है। देखिए आप लोग 2013 में भी और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमरी में हमको कितना प्रेशर दिया आर्मी पुलिस, हाँ इलेक्शन में मेरा गौर में पूरा रेप करता गाड़ी एक सुमो
हां थजुवारी ठीक आर्मी का बगल में सुमो रैप सुमो पूरा फोड़ दिया तो इसीलिए हम लोगों का इस पर इलेक्शन शांति होना चाहिए पब्लिक आप लोग जवाब दीजिए जो लोग घटना करने मांगता उस सबको अच्छा से इन्विजिशन करना है इलेक्शन इलेक्शन का बाद भी और अभी भी करना है और दोबारा ऐसा घटना नहीं होने के लिए हम भी कोशिश करेगा और जहांगीर में कोई हम कैंपिंग करने जरूर नहीं पब्लिक शांति है और कोई ओपोजिशन भी आके भी कैंपिंग कर सकता है वेलकम है लेकिन पब्लिक नहीं निकल रहा तो वो तो हमारा बात नहीं है पब्लिक हमारा अच्छा काम लगता डेवलपमेंट अच्छा लगता इसलिए इस पर हम लोग एमएलए इलेक्शन डेवलपमेंट को बोल के हम लोग इलेक्शन करता बाकी दूसरा कोई को खराब करना ये करना वो करना धर्म का अगेंस्ट हम लोग नहीं हम लोग दौड़ना है निर्मल अजमोल को दौड़ना बाकी ट्राइबल लोग नॉन ट्राइबल लोग कोई डिमा हसाओ का ना पंचायत होने देगा ना गांव पंचायत होने देगा ना विलेज काउंसिल करने देगा क्योंकि हम लोग का संविधान में सिक्स शेड्यूल में जो लिखा है जो भी रूल बनाएगा हम लोग यहाँ पे पास करने लगते हैं वो लोग अपना वोट लिखा पड़ा है वोट ये है वो है वोट हिंसा भी है बोलता और अपना अपना भी रेट भी बता देता हमारा अपना हमारा रेट तो फास्ट करो है ये है हम लोग ऐसा नहीं हम लोग समाज हाँ फ्रीडम फाइटर उस दिन देखो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कितना सुंदर हम लोग का वीर सम्मान तुम लोग का नाम लिया है हाँ रामनाथ कोविंद जी भारत का प्रेसिडेंट कितना नाम लिया है हम लोग भी इज्जत करता है हम लोग भी हाँ दिल शांति होता है इसलिए कांग्रेस वाला लोग देखो ना वीर सम्मान तुम लोग का इलेक्शन रैली में डाकाइट गुंडा रैली को स्टेचू लगा के लाभ नहीं है तो इसलिए वो लोग हम लोग समाज को जो काम करता वो लोग हमेशा अगेंस्ट होता है क्योंकि देखो तुलाराम सेनापुटी तुलाराम गाँव बना कोई हफलोंग मुस्सी में तुलाराम क्लब है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेकिन हम लोग समाज के लिए तुलाराम सेनापुटी को स्टेचू लगाने में केस खड़ा है तो ऐसा माफी है वो लोग माने समाज डेवलपमेंट पब्लिक का साथ में काम करने में हम लोग के साथ में कुछ में भी कंपटीशन में नहीं है वो लोग इसलिए वो लोग झगड़ा खड़ा नहीं मांगता कोई को धमकी कोई का खराब हम लोग को गुंडा राज बोलता है उलू गुंडा राज करता है हाँ उलू खराब गेम करता है 2016 पहले दिमा हसाओ में क्या करके रखा क्या नहीं खड़ा उलू गुनुगुल सुनुगुल अगर सरकार सेंट्रल सरकार स्टेट सरकार सोचने से एक महीना में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता नहीं खड़ा लेकिन बीजेपी सरकार हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा जी मोदी जी आके शांति डेवलपमेंट अच्छा से खड़ा है इसलिए अजमोल निर्मल को दौड़ो हम लोग बीजेपी दिमा हसाओ के लिए है आसाम के लिए है देश के लिए कोई चिंता नहीं और आसाम में हाइस मार्जिन बोथ से हम लोग महिला कोटा से एक टिकट दिया हम लोग रेस्पेक्ट करता उनको हम लोग जिताएगा 80,000 प्लस हाँ थैंक यू।